हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं, मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहां पर पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। भारत जो है वो हाल ही में गर्किंस, जिसको छोटी ककड़ी कहा जाता है, खीरे जैसे शेप की एक उसी प्रजाति की एक ये एडिबल आइटम है, जिसको इंडिया के अंदर जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, भारत में इसको ग्रो किया जाता है। और हाल ही में भारत जो है इस गर्किन, इस छोटी ककड़ी के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर के रूप में जो है वो उभरा है। विस्तार से समझेंगे इस पूरे के पूरे आर्टिकल के बारे में। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं 2022 के एग्जाम के लिए, studyiq.com या studyiq के ऐप पर बहुत ही बेहतरीन स्मार्ट कोर्स शुरू किया गया है। इस कोर्स की मदद से आप बहुत अच्छे से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे, तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। तो हाल ही में भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा गर्किन एक्सपोर्टर जो है वो बना है। गर्किन, जिसको छोटी ककड़ी या खीरे के रूप में भी जो है वो जाना जाता है हिंदुस्तान में, ये एक टर्म जो है गर्किन का, दरअसल आचार के रूप में इसको खाया जाता है। दुनिया भर में इसको काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि इस छोटी ककड़ी का आचार जो है वो डाला जाता है और ये दुनिया भर में बेचा जाता है। तो जिस प्रकार से आप शेप देख पा रहे हैं, खीरे से इसकी मिलती जुलती शेप है, बस साइज में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो ये सेम ही फैमिली ऑफ स्पीशीज से आते हैं, चाहे गर्किन हो चाहे कुकुम्बर हो। तो गर्किन और क्यूकुम्बर, क्यूकुम्बर जिसको ककड़ी कहा जाता है और गर्किन जिसको छोटी ककड़ी कहा जाता है, उसके विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो हाल ही में इस वित्तीय वर्ष में 2020 और 21 वित्तीय वर्ष में भारत ने 200 मिलियन का मार्क जो है वो क्रॉस करा था, यानी कि 200 मिलियन यूएस डॉलर्स का एक्सपोर्ट इस गर्किन या जिसको पिकलिंग कुकुम्बर कहा जाता है, वो खीरा जिसका आचार डाला जाता है, तो इस को एक्सपोर्ट करने में ये बड़ा मार्क जो है हिंदुस्तान ने हासिल किया था। इसको ग्लोबली, वैश्विक रूप में इसको गर्किन्स या कॉर्निचॉन्स के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान में जिसको छोटी ककड़ी कहते हैं, दुनिया में इसको गर्किन्स या कॉर्निचॉन्स के नाम से जाना जाता है। तो हिंदुस्तान से एक बड़ी मात्रा में ये पर्टिकुलर जो टाइप ऑफ वेजिटेबल है ये एक्सपोर्ट होता है। गर्किन्स जो है वो दो श्रेणियों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। एक तो होता है नॉर्मल कुकुम्बर, जो खीरा हम सलाद के रूप में या बर्गर आदि में खाते हैं, दूसरा है गर्किन्स। तो कुकुम्बर जो नॉर्मल खीरा है और गर्किन जिसको छोटी ककड़ी कहते हैं, इन दोनों श्रेणियों में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। जो गर्किन है पर्टिकुलरली, ये इस वजह से एक्सपोर्ट होता है क्योंकि इससे आचार बनाया जाता है, पिकल इससे बनते हैं। तो इसको विनेगर या फिर एसिटिक एसिड में रख करके इसको संरक्षित किया जाता है और छोटे छोटे जार्स में डाल करके दुनिया के अलग अलग कोनों में इसको खाया जाता है। गर्किन की जो प्रोसेस, पूरा की पूरी प्रक्रिया है इसको उगाने की, इसकी खेती की, चाहे कल्टीवेशन हो चाहे प्रोसेसिंग हो, इवन एक्सपोर्ट भी जो है वो हिंदुस्तान में 1990 के दशक में शुरू हुई थी। शुरुआत इसकी हुई थी कर्नाटका में और धीरे धीरे ये पास के जो नेबरिंग स्टेट्स है वहां तक पहुंचे, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि शामिल है। तो ये ग्रेजुअली कर्नाटक से शुरू होकर 1990 में आसपास के राज्यों में इसकी खेती जो है वो होना शुरू हो गई थी, इसकी कल्टीवेशन स्टार्ट हो गई थी। और ये सदर्न स्टेट जो है यहां पर इसकी कल्टीवेशन होती है, उसके पीछे कारण है कि इस गर्किन की खेती के लिए जो डिजायरेबल टेम्परेचर्स है, जो तापमान है जिसमें इसकी खेती सबसे अच्छे ढंग से होती है, वो यहीं पर मौजूद है। इसको जो डिजायरेबल कंडीशंस है वो चाहिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान जो है उसको चाहिए, जो कि ये इन पर्टिकुलर रीजन्स को डिजायरेबल बनाता है इसकी कल्टीवेशन के लिए। नियरली 15% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन गर्किन की जो है वो हिंदुस्तान में होती है, तो इस वजह से ये मेजर एक्सपोर्टर जो है वो बना है। 15% ऑफ टोटल प्रोडक्शन दुनिया में जितने इस छोटी ककड़ी का उत्पादन होता है, उसका 15% सिर्फ और सिर्फ भारत में होता है। और करंटली इंडिया जो है वो 20 से ज्यादा देशों में इसको एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें यूएस आदि देश भी शामिल हैं। तो एक मेजर एक्सपोर्टर हिंदुस्तान इस प्रोडक्ट का है, और ये प्रोडक्ट जो है वो हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट में एक अहम कॉन्ट्रीब्यूटर है। अपार्ट फ्रॉम इट्स एक्सपोर्ट पोटेंशियल, द गर्किन इंडस्ट्री प्लेज अ की रोल इन क्रिएशन ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट। एक तो इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर है। ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव के इलाकों में रोजगार पैदा करने के लिए ये गर्किन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट माना जाता है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो देश के करीब 90,000 छोटे और मार्जिनल फार्मर्स जो हैं
वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं गर्किन्स की, और ओवरऑल करीब 65,000 एकड़ के इलाके में हिंदुस्तान में इसकी खेती की जाती है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है ये 90,000 छोटे या सीमांत किसान, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो इसके कल्टीवेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, क्योंकि इनको एक्सपोर्ट किया जाता है, तो बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो इसमें डील करते हैं, जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो प्रोसेस है वो की जाती है, किसान इसको उगा करके उन कंपनीज तक पहुंचाते हैं। ये जो प्रोसेस्ड गर्किन्स है, किसान से खरीद के इसको प्रोसेस किया जाएगा और बाद में बड़े पैमाने पर इनको जार्स के अंदर रेडी टू ईट तौर पर इनके पिकल्स बना करके बेचा जाएगा, और साथ ही साथ बल्क प्रोडक्शन जो है वो भी गर्किन मार्केट की काफी ज्यादा जो है वो परसेंटेज होल्ड कर दी है। इस तरीके के जार्स में, इस तरीके के शीशे के जार्स में इनको एसिटिक एसिड या विनेगर के साथ में प्रिजर्व करके बेचा जाता है। दिस इंडस्ट्री एक तो मतलब इसके साइमल्टेनियसली बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो ये है कि इंडिया का एक्सपोर्ट इससे इंक्रीज हो रहा है, दूसरा है रूरल एम्प्लॉयमेंट इससे मिल रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान है वो इसकी खेती से जुड़ करके अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं। उसके साथ साथ इस पूरे के पूरे गर्किन कल्टीवेशन इंडस्ट्री ने सक्सेसफुल तरीके से कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो सकती है वो उसकी एक बहुत बेहतर मिसाल जो है वो पेश की है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में भी हम बात करेंगे, तो कैसे सक्सेसफुल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जा सकती है ताकि जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है वो भी बरकरार रहे, और इसके साथ में एसोसिएटेड जितने भी किसान हैं, जितने भी फार्मर्स हैं, उनको भी लाभ मिलता रहे। इस वजह से ये एक काफी ज्यादा एडवांटेजियस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट माना जाता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अगर हम बात करें, जो प्रोसेस गर्किन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दरअसल ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है जो किसान के बीच में होता है और साथ ही साथ प्रोसेसिंग या मार्केटिंग फर्म्स के बीच में होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम गर्किन की बात करें, तो गर्किन को प्रोसेस करके विदेशों में बेचा जाता है, उसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ प्राइवेट फर्म्स जो है वो काम करती हैं। तो इन्होंने एक प्री डिटरमाइंड एग्रीमेंट कर लिया होता है किसानों के साथ में। मान लीजिए वो सदर्न स्टेट्स जहां पर करीब 90,000 किसान गर्किन की कल्टिवेशन कर रहे हैं, तो इन फर्म्स ने पहले ही ये कॉन्ट्रैक्ट उन किसानों के साथ कर लिया कि आपका जितना भी प्रोडक्शन होगा वो सारा का सारा आप हमें देंगे, और उसके बदले में हम आपको पर केजी, पर क्विंटल या पर टन के प्राइस पे पैसे जो है वो दे देंगे। यानी कि अब किसान गर्किन की कल्टीवेशन करेगा तो उसको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्या उसका प्रोडक्ट बिकेगा, क्या उसको कस्टमर मिलेगा। पहले से उसके पास प्री डिफाइंड कस्टमर है जो कि ये मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग फर्म्स है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पहले से बना लिया गया है, इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो किसी प्रकार का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को सप्लाई करना हो, उसके लिए पहले से एक कॉन्ट्रैक्ट अगर बना लिया जाता है, एक एग्रीमेंट कर लिया जाता है एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइसेस। पहले से एग्रीमेंट में प्राइस भी तय हो जाते हैं कि प्रति किलो, प्रति क्विंटल या प्रति टन के हिसाब से इतने प्राइस पे कंपनी जो है वो किसानों से गर्किन खरीदेंगी। और यहां पर एक सक्सेसफुल तरीके से ये पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो सफल हुई है, क्योंकि किसान जो है वो क्वालिटी सुनिश्चित करते हैं, बदले में उनको जो भी प्री डिटरमाइंड प्राइस है वो मिलता है। इससे दोनों ही, चाहे किसान हो चाहे मार्केटिंग या प्रोसेसिंग फर्म्स हो, दोनों ही लाभ जो है वो प्राप्त कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है इसको सपोर्ट किया गया आपेदा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा। नाम से समझ आता है, कृषि और प्रोसेस्ड फूड्स प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए एक प्राधिकरण, एक अथॉरिटी बनाई गई है। उनके द्वारा बहुत सारे कदम, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए ताकि जो प्रोसेस्ड गर्किन्स है इनकी क्वालिटी बेहतर हो सके और इनको सही दाम पे एक्सपोर्ट किया जा सके। तो इस बॉडी का, इस ऑर्गेनाइजेशन का काफी बड़ा रोल था इस पूरे के पूरे प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में। तो क्या है ये एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी? इट इज एन अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो संसद के एक अधिनियम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर ये बॉडी एस्टेब्लिश की गई थी। उद्देश्य, जैसे आप इसके नाम से समझ पा रहे हैं, एग्रीकल्चर हो या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करके खाद्य पदार्थों के एक्सपोर्ट में विकास करना, उनके डेवलपमेंट करने के लिए ये बॉडी बनाई गई। तो उद्देश्य ये है, इट हैज बीन मैंडेटेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। जितने भी उत्पाद जो एक्सपोर्ट हो सकते हैं उनको प्रमोट करना, कौन से प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर या प्रोसेस प्रोडक्ट्स है
एंड डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, एल्कोहलिक एंड नॉन एल्कोहलिक बीवरेजेस। तो एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई जितनी भी अलाइड एक्टिविटीज है, उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उनके एक्सपोर्ट्स के लिए नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, मार्केटिंग करना, ताकि इन प्रोडक्ट्स की विदेश में डिमांड हो सके और इन प्रोडक्ट्स को वहां पर भेज करके जो कल्टिवेटर्स हैं इन प्रोडक्ट्स के या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको इसका भरपूर लाभ जो है वो मिल सके। और यही चीज हमको गर्किन्स के केस में भी देखने को मिली है। तो ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जिसमें हम बात कर रहे थे गर्किन्स जो छोटी ककड़ी के बारे में, जो हिंदुस्तान से ऑलमोस्ट दुनिया के 20 बड़े देशों में एक्सपोर्ट की जाती है। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2022 के यूपीएससी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, studyiq.com या studyiq के ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।